नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। कानपुर में 8 जून को अपने परिवार के साथ घर लौट रही महिला का पर्स लूटने के मामले में पुलिस ने तगड़ा एक्शन लिया है। आपको बता दें कि वारदात के वक्त महिला का पर्स लूटकर बदमाश भाग गए थे। इस घटना के चलते महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी। वहीं इस मामले में कार्रवाई करते हुए 12 जून देर रात पुलिस ने मुठभेड़ में घटना के दोनों आरोपियों को दबोच लिया। बता दें कि लूट करने वाले जिस आरोपी के पैर में गोली लगी है वो सपा का नेता बताया जा रहा है। तो क्या कुछ है पूरा मामला जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पति और बच्चों संग बाइक से घर लौट रही महिला से CSJMU के सामने 8 जून को लूट के मामले में 12 जून की देर रात जवाहरपुरम में लुटेरों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इसमें एक लुटेरे के पैर में गोली लगी जबकि उसका साथी गिरफ्तार कर लिया गया। जिस लुटेरे को गोली लगी है वो कल्याणपुर के वार्ड 17 से सपा का अध्यक्ष बताया जा रहा है। गिरफ्तार के बाद एक फोटो वायरल हुई जिसमे लुटेरा एक पूर्व विधायक के साथ खड़ा है। कल्याणपुर के आवास विकास स्थान निवासी सज्जन खान उर्फ 8 जून की देर रात अपनी पत्नी सबिया और दो बेटियों के साथ बाबूपुरवा से लौट रहे थे। तभी CSJM विश्वविद्यालय के सामने पीछे से आए बाइक सवार दो लुटेरे झपट्टा मारकर सबिया का पर्स छीनकर भाग निकले थे। इस दौरान सबिया जमीन में गिरकर गंभीर घायल हो गई थी। दोनों लुटेरे बगिया क्रॉसिंग के पास लगे CCTV कैमरे में कैद हुए थे। तलाश में जुटी पुलिस 12 जून की रात मुखबिर की सूचना पे जवाहरपुरम पहुंची। यहां लूट के इरादे से खड़े मुकेश और राजकुमार की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। इसमें मुकेश के दाहिने पैर में गोली लगने से वो घायल होकर जमीन पे गिर पड़ा जबकि साथी राजकुमार को पुलिस ने घेराबंदी कर धर दबोचा। घायल को प्राथमिक उपचार के लिए पुलिस 12 सिरोही CHC ले गई। फिलहाल हेलट में भर्ती सबिया की सेहत में कुछ सुधार हुआ है। पति सज्जन खान उर्फ जीतू ने बताया कि अब उन्हें हेलट इमरजेंसी की पहली मंजिल पे स्थित PUD वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। दिमाग पे चोट लगने के चलते उन्हें लोगों को पहचानने में दिक्कत हो रही है। बाई आंख खोलने में अब भी दिक्कत है। DCP वेस्ट विजय ढुल ने बताया कि लुटेरे राजकुमार की निशानदेही पे बिनायकपुर स्थित मुकेश के घर से 100 मीटर दूर झाड़ियों में महिला का लूटा हुआ पर्स बरामद कर लिया गया है। बता दें कि ऑपरेशन में 100 CCTV कैमरे खंगाल कर आरोपियों की पहचान की गई थी। बता दें कि घटना वाले दिन दोनों आरोपी गुरुदेव चौराहे पे खड़े थे। यहीं से दोनों ने परिवार का पीछा किया था। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल TV उत्तर प्रदेश। नमस्कार।